गुड मॉर्निंग। कल के जो ट्रेडिंग डे था उसमें फर्स्ट हाफ में एक डिप आया, उसके बाद पूरे दिन करेक्शन आया, यानी जितना भी डिप आया था उसका रिबाउंड आया था, वहां से पूरा कवर हो चुका था। एंड उसके बाद जो इंडेक्स क्लोज हुए सारे के सारे आपको ग्रीन निशान में बंद हुए, एंड अच्छी क्लोजिंग भी आपसे कह सकते हो। सिर्फ निफ्टी की अगर बात कर लें 15,750 के आसपास हुआ, यानी कि एक ऐसा लेवल है जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। पहले कभी सपोर्ट कभी रेजिस्टेंस का काम करता, अगेन फिर से एक रेजिस्टेंस का काम करने वाला है आज के दिन। प्लस आज टूटेगा नहीं टूटेगा कुछ हमें यहां से सेंटिमेंट समझ में आ रहा है। एसजीएक्स निफ्टी इस वक्त हमें ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है रफली वही 15,800 के आसपास, अगेन अपने रेजिस्टेंस के आसपास। मतलब ये एक जो 15,750 का एक लेवल था वो आपको गैप अप में ब्रेक होते हुए कुछ इस तरह से दिखा रहा है एसजीएक्स निफ्टी। तो यहां से क्या हो सकता है, अगेन जैसी हमारी बात हुई थी जब मार्केट में उस दिन एक प्रॉफिट बुकिंग आई थी, एक सेल ऑफ देखा गया था, तो उस दिन कभी हमें पैनिक में आगे प्रॉफिट अगर उस दिन बुक कर देते तो हमें शायद हम ज्यादा अपना थोड़ा सा लॉस कर बैठते। इसलिए अब अगर हमें प्रॉफिट बुक करना ही है, अपने शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो खाली करना ही है, अब टाइम आ चुका है। एक बाउंस बैक के बाद, परफेक्ट बाउंस बैक के बाद अभी आपका जो लॉस था वो जो पोजीशन है अगेन प्रॉफिट में आ चुके और अच्छे प्रॉफिट में आ चुकी होगी। अगेन यहाँ पे आप 800 से लेकर 850 के बीच में धीरे धीरे चाहे आप शुरू कर सकते हैं या फिर यहाँ से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हो। बाकी मार्केट आप यहाँ देख सकते हो सारे न्यूट्रल टू ग्रीन की तरफ ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, अदरवाइज आज उस तरह से प्रॉफिट बुकिंग नहीं दिखाई दे रही है। इसके बाद अगर बात करें यहाँ पर आप देख सकते हो क्रूड ऑयल पे भी आप देखोगे ऑलमोस्ट 2.5% के आसपास की जंप इसमें क्लियरली आपको दिखाई दे रही है। वहीं अगर बात करें नेचुरल गैस में 1% के आसपास की गिरावट आज भी दिख रही है। गोल्ड एंड सिल्वर में निचले स्तर से कुछ खरीदारी आते हुए दिखाई दे रही है, इसलिए इनके जो रिलेटेड जो शेयर है ना उन पे हमें फोकस करना जरूरी हो जाता है। वहीं बात करें करेंसी मार्केट की, सारे के सारे आपको बिल्कुल ग्रीन निशान में दिखाई दे रहे हैं। अगेन हम जो यूएसडी आईएनआर की बात करें 74 प्लस हो चुके हैं, ऐसा लग रहा है यहां से 75 के आसपास एक बार फिर से जा सकते हैं, इसलिए जरा ध्यान रखने की जरूरत है इस पर। बात करें इसके ऊपर यानी एफआईएस एंड डीआईएस के एक्शन के ऊपर, आप यहां चेकआउट कर सकते हो। कल के दिन डीआईएस ने अगेन परचेस किया है, लेकिन एफआईएस ने जो परसों के दिन बात करें फ्राइडे को जिन्होंने 2000 प्लस का शेयर खरीदे थे या फिर इतने की इन्वेस्टमेंट की थी, उसके बाद 50% उन्होंने कल के दिन बुकिंग कर दी है। बाकी आप यहां देख सकते हो क्या हो रहा है एग्जैक्टली। बात करें ये काफी कंफर्टेबल है इंडिया विक्स, लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगा, अभी तो बड़ा ही कंफर्टेबल है मार्केट में बुल स्केल के फेवर की अगर बात करें तो। बात करें किन कंपनीज के आज के दिन रिजल्ट आने हैं, आप यहां चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले जो नाम निकल गया है एनएमडीसी, इसके आने हैं रिजल्ट, उसके बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड उसके बाद आप यहां चेकआउट कर सकते हो मैक्स इंडिया, यानी लिस्ट काफी लंबी है, हो सकता है आपके पास इनमें से कुछ हो, रैलीगेयर एंटरप्राइज, ये सारे जो है कंपनीज जो आप क्वार्टर फोर के रिजल्ट आज के दिन देंगे हमें। इनके बाद जिन कंपनी का रिजल्ट आया कल के दिन, सबसे पहले जो नाम निकल के आ रहा है ऑयल इंडिया के, इसके जो नेट प्रॉफिट गिरे हैं 8% के आसपास है, प्लस नेट प्रॉफिट तो गिरा ही है, प्लस जो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन है ना 2021 की बात करें उसमें भी गिरावट आई है, रफली बात करें 5.42 के आसपास, तो इसके ऊपर भी आज नजर रह सकती है अगर आप इसके शेयर होल्डर हो तो। उसके बाद नेक्स्ट जो न्यूज निकल के आ रही है ABFRL, यानी ये वही शेयर है जो आप सभी के यहाँ शेयर पहले भी हुआ था संडे स्पेशल के दिन भी। आप यहां देख सकते हो कि इस कंपनी की यानी ABFRL एक कंपनी है फाइनेंस, उसमें कुछ अपनी होल्डिंग थी इनकी, ऑलमोस्ट पहले जो होल्डिंग थे 51% की, यानी मेजोरिटी इन्हीं के पास थे, अभी अपनी होल्डिंग को थोड़ा और बढ़ा दिया है, अभी हो चुका है रफली अगर बात करें तो 58.69 के आसपास मेजोरिटी इन्हीं के पास हो चुकी। तो ये एक न्यूज है इसके ऊपर, देखते हैं इसको आज किस तरह से मार्केट लेता है, अदरवाइज पॉजिटिव न्यूज तो इसके लिए है ही। उसके बाद नेक्स्ट HUL, ऑलरेडी न्यूज पे बना हुआ है, ऑलरेडी हमारे पोर्टफोलियो का हिस्सा है, ऑलरेडी अच्छे रिटर्न दे चुका है 3 से 4 ही दिनों में। इसने कल के दिन जो हिट किया है अपने 52 वीक का नया हाई लगा है, प्लस इसकी जनरल मीटिंग होने वाली है। हम देख रहे हैं कि आजकल एक के बाद जनरल मीटिंग हो रही है, पहले हमने इन्फोसिस को कवर किया था, अभी रिलायंस को होने वाला है, एंड सभी का इन साल में एक दफा होती है, तो इसके ऊपर भी आप नजर रखेंगे, ऑलरेडी अपने 52 वीक के आसपास है, यहां से भी इसमें अच्छा मोमेंटम आने की एक्सपेक्टेशन बनी हुई है, प्लस प्रॉफिट बुकिंग भी अपने हिसाब से हम कर ही सकते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज निकल के आती है मधुस फाइन कॉर्प से रिगार्ड द गोल्ड लोन कंपनी हैज पिक्ड अप 54% स्टेक इन हैदराबाद फिनटेक स्टार्टअप। ये कंपनी में इन्होंने जो 54% की जो स्टेक है उसे लिया है इस कंपनी ने, मधुस फाइन कॉर्प ने, तो और उस कंपनी का ना स्टार्टअप है पे मैट्रिक्स, तो इस तरह से आप देख सकते हो इसके ऊपर एक न्यूज बनी है। नेक्स्ट जो न्यूज निकल के आ रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द कंट्रीज लार्जेस्ट लेंडर, हम जानते हैं SBI के मंडे इन्होंने कहा कि सेंट्रल बोर्ड हैज अप्रूव्ड ए प्रपोजल ऑफ रेजिंग कितने 14,000 CR बाय इश्यूइंग बेसल 3 कम जो बॉन्ड्स होते हैं, तो उसको अप्रूवल मिल चुका है, तो इस कंपनी के लिए अच्छी बात हो जाती है। ऑलरेडी हमारे फोकस पे काफी दिनों से काफी नीचे के लेवल से बना हुआ है, जहां पे वे अभी है वहां पे भी इस करेक्शन के बाद भी प्रॉफिट में ही है, आप जानते होंगे अगर आप इस चैनल के साथ रेगुलर बेसिस पे जुड़े हैं तो।
उसके बाद नेक्स्ट न्यूज निकल के आ रहे मारुति सुजुकी कंपनी का कहना है, जैसे कि हम जानते हैं लार्जेस्ट हमारे इंडिया की बात ही करें एक कार मेकर है, इनका कहना है कि दे विल इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ एंटायर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, मतलब अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ाने वाले हैं अभी नहीं, इन द सेकंड क्वार्टर ऑफ द करंट फिजिकल इस ईयर फाइनेंशियल ईयर की बात करें। ड्यू क्यों? बिकॉज हम जानते हैं कि जिस तरह से जो कमोडिटी के प्राइस शूटअप हुए हैं भागे हैं, इसी के वजह से द प्राइस ऑफ वेरियस एसेंशियल कमोडिटीज इंक्लूडिंग स्टील, तो क्या है कि रॉ मटेरियल जब महंगा हो जाएगा डेफिनेटली कंपनी को अपने बाकी मार्जिन में निकालना होगा, तो उस के लिए कंपनी क्या है अपनी जो प्रोडक्ट है उनके प्राइस को बढ़ाने वाले हैं। अब अगर ये बढ़ाएंगे तो अच्छा है बुरा है? इस कंपनी के लिए अच्छा है, हमारे और आपके लिए तो गाड़ियां महंगी हो जाएंगी, लेकिन कंपनी के लिए अच्छा है और कंपनी के रिजल्ट अच्छे आएंगे, उस रिजल्ट पे इफेक्ट करेगा, तो इसलिए आपको ये चीजें पॉजिटिव हो जाती है। अगर ये बढ़ाएगी तो डेफिनेटली हमने पिछले साल भी देखा था 2020 में जब इन्होंने जनवरी या फेब के आसपास अपने जो इस 2021 की बात करें जब इन्होंने बढ़ाए थे प्राइस बढ़ाए थे, उसका धीरे धीरे जो बाकी इनके पीयर्स हैं उन्होंने भी बढ़ाने शुरू कर दिए थे। अभी कुछ दिनों में आप न्यूज डेफिनेटली आप पढ़ोगे कहीं ना कहीं कि एक के बाद एक दूसरे लोग भी बढ़ाने शुरू कर दिए। उसके बाद जो न्यूज निकल के रही इन्फोएज, यानी हमारा तो ये फेवरेट होता ही है, कई दिनों से हम इसको डिस्कस कर ही रहे हैं, इसका आया है रिजल्ट बड़ा अच्छा है, ओवर 2-4 जंप हुई इसकी कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट में। अभी जो निकल के आया रिजल्ट 308 करोड़ सीआर के आसपास आई है, जो पिछले साल इन्होंने पोस्ट किया था 119, यानी 119 से 308 हो चुका है। इनके बिजनेस किस तरह से इफेक्ट हुए, ऑलरेडी इनके बिजनेस रियल इस्टेट में भी है, बाकी सारे हम जानते हैं, तो वो चीजें चली ही नहीं थी, इसकी वजह से काफी इन्होंने कम रिजल्ट पोस्ट किए थे, काफी कम प्रॉफिट दिखाया था। अभी वो चीज थोड़ी सी सुधरी है, थोड़ी सी चीजें अनलॉक की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, जो प्रोसेस शुरू है, उसके बाद आपको रिजल्ट थोड़ा ठीक ठाक नजर आ रहा है। उसके बाद जो न्यूज निकल के रहे भारतीय एयरटेल और टाटा ग्रुप ने एक पार्टनरशिप किया है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किया, किस चीज के लिए? फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ 5G नेटवर्क सोल्यूशन, और ये इंडिया के लिए। तो इस चीज से आप समझ सकते हो कि कंपनी के लिए अच्छी बात है, ऑलरेडी कंपनी के ऊपर थोड़ा डेट भी है, थोड़ा प्रेशर भी बना हुआ है, एंड उसके बाद जरा सा अगर इनको कहीं से थोड़ा छूट मिल जाती है, पार्टनरशिप मिल जाती है, तो चीजें ये अच्छे इंप्लीमेंट कर सकते हैं 5G के, अदरवाइज जियो के साथ इनको फाइट करना ही है। उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज निकल के आई अडानी से, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी ग्रुप में हमने किस तरह फ्री फॉल देखा और उसके बाद कुछ रिकवरी देख रही है। एक और न्यूज निकल के आ रही है कि द अडानी ग्रुप फर्म विल सीक शेयर होल्डर नोट, मतलब जो इसके मेन कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं उनके एक अप्रूवल चाहिए होगा, अडानी ग्रुप मतलब उनकी एक बैठक होगी, एक बात होगी, फॉर द किस चीज के लिए? कंपनी इज प्लानिंग टू रेज फंड्स, रफली बात करें तो 2500 के आसपास, इसके बदले में क्या बाय किस चीज के बदले मिलेंगे? थ्रू द इशूइंग इक्विटी शेयर, इक्विटी हो सकते हैं, सिक्योरिटी होते हैं, डिबेंचर हो सकते हैं, ये सारी बातें इनकी एजीएम में निकलेंगी जो होगा जुलाई 13 को, तो इसके ऊपर नजर रख सकता है अगर आपके पास अडानी के कोई भी शेयर है तो। उसके बाद एक न्यूज निकल के आ रही है, जैसे कि हम जाते हैं पीएलआई स्कीम काफी अच्छी है और काफी सारी कंपनीज में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, तो अभी जो उनका नाम निकल के आ रहा है HFCL, डिक्सन एंड तेजस नेटवर्क, ये वो कंपनीज हैं जो दे आर प्लानिंग टू कि इसके लिए अप्लाई किया जाए। जैसे कि आप यहां क्लियरली पढ़ सकते हो, तेजस नेटवर्क, डिक्सन टेक्नोलॉजी हैव कंफर्म दैट दे विल अप्लाई फॉर द स्कीम बिफोर द डेडलाइन एंड ऑफ जुलाई 3। तो इस चीज से आप समझ सकते हो कि जो इनको डेफिनेटली कंपनी को बेनिफिट है एंड नाउ दे आर अप्लाइंग फॉर दिस। चलिए इस वीडियो में इतना ही, हमने कुछ जो मेजर जो आज की न्यूज थी उनको कवर करने की कोशिश की। तब तक आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर रेगुलर अपडेट के लिए। एक बार वीडियो का एग्जिट करें, डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, वहां आपको प्राइवेट चैनल का प्रोसेस प्लस टेलीग्राम का लिंक दोनों मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।